बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर है। जैसे कि आप जानते हैं हमने ब्लॉगिंग कोर्स का आगाज़ किया हुआ है और आज ब्लॉगिंग कोर्स के पांचवें वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं। इससे पहले कि जो नए लोग आए हैं और ब्लॉगिंग कोर्स करना चाहते हैं वो पिछली वीडियोज़ को लाजमी देखें ताकि उनको पता चल सके कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर जो रिलेटेड कंटेंट है और आपने क्या करना है उसको सीख सकें। तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, तमाम स्टूडेंट्स से और तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें ताकि आपको तमाम के तमाम जो नोटिफिकेशन है आपके ईमेल आईडी पे पहुंच सकें और आप तमाम वीडियो से मुस्तफीद हो सकें। जल्द से जल्द मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवा दें ताकि जो फर्स्ट टारगेट है वो इसको अचीव करने के बाद हम आगे बढ़ें और इन तमाम चीज़ों को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स से फ़ायदा उठा सकें। तो आज हम वीडियो जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी ब्लॉग की सेटिंग से रिलेटेड है कि हमने ब्लॉग की सेटिंग जो क्रिएट किया था फैशन 541 उसकी सेटिंग हमने किस तरह करनी है। तो इसकी सेटिंग के लिए आपने टाइटल तो ऑलरेडी दिया हुआ है उसी वक्त जब आपने क्रिएट किया था। इसके अलावा हमने जो है ना वो सेटिंग सेव करने के बाद फैशन पे आना है। फैशन की जो चीज़ें हैं उसको हमने वो किस तरह सेलेक्ट करना है, आप वो गूगल पे जाएंगे, गूगल पे आप फैशन लिखेंगे, आप देखेंगे कि आपके कितने सर्चेज हैं। ये देखें आपके सामने नंबर वन आइडिया हो गया, इसके अलावा डिजाइनिंग आइडियाज हो गया नंबर दो, इसको ऐड कर देंगे इस कीवर्ड को, यहाँ से कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। इसी तरह आपने बहुत सारी चीज़ें सर्च करने के बाद आइडियाज स्टाइलिश ड्रेस का वो उसको आपने क्लिक करना है, इसकी देखें कितनी सर्चेज है। ये तमाम के तमाम जो है ना वो कंटेंट इसमें इंक्लूड करने के बाद आपके डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएंगी। ये मैंने पहले ही किया हुआ ताकि आपके टाइम की सेविंग हो सके, लिहाजा ये जब हो जाएंगी तो आपने इसको यहाँ से करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे अपने ब्लॉगर पे और यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करेंगे जो पुराना है और उसको हम ये तकरीबन 500 वर्ड तक इसको हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी, और इसको सेव करेंगे। जब ये सेटिंग इसकी सेव हो जाएगी तो आगे आपने क्या करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपके इंटरनेट की स्पीड के मुताबिक। अब ब्लॉग लैंग्वेज आपने इंग्लिश ऑटोमेटिकली अगर सिलेक्टेड है वेल, नहीं तो आपने इंग्लिश सिलेक्ट करनी है। इसके अलावा ये फेक आइकन है, इसके अलावा वीडियो बनाई जाएगी और ये जो है फेक आइकन यहाँ पे इस किस्म का जो आपका लोगो है वो बना के यहाँ पे फिक्स करना होता है। अगर आपका कोई वल्गरेट है, अगर आपकी इस किस्म की साइट है यहाँ पे एडल्ट कंटेंट है इसको आप अलाउ करेंगे, अगर आपकी नहीं है एज वगैरह तो आप इसको अलाउ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपकी सिंपल साइट है। पब्लिशिंग में ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ये कस्टमर डोमेन है, इसमें चूंकि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे बना रहे हैं, आपके पास पैसे हैं, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है तो आप यहाँ पे कस्टमर डोमेन परचेज करने के बाद यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हैं। इसकी भी अलहदा वीडियो बना के हमने चूंकि खरीदनी तो नहीं है, हमने परचेज तो नहीं करनी, लेकिन फिलहाल आपको सिखा दिया जाएगा कि आपने किस तरह के क्या तरीकाकार अख्तियार करना है और इसकी अलहदा हम वीडियो बनानी है और वहाँ पर आपको आप तो बाय डोमेन आपने जहाँ से भी करनी है उसके लिए अलग वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरह यहाँ पे लगानी है। हमारा चूंकि इरादा नहीं है, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपका एक पैसा भी नहीं लगाना चाहते, लिहाजा इसी ब्लॉगस्पॉट के .com पे काम करने के बाद हम मोनेटाइज करवाने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ताला मोनेटाइज होगा भी और इसको हम कैंसिल करते हैं फिलहाल। आगे हम HTTPS चूंकि ऑलरेडी है इसमें ऑफ है तो ऑन करना है इसको, और इसके अलावा ब्लॉग एडमिन्स ऑथर्स हैं ये ऑटोमेटिकली ये जो गूगल जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेगा। इसके अलावा ब्लॉग पोस्ट आपने 5 करनी है, यहाँ पे 7 होगा 10 होगा बाय डिफॉल्ट होगा, आपने 5 करनी है। इसको सेव करने के बाद इसको आपने इनेबल कर देना है आपका ईमेल वगैरह जो आपकी गूगल की तरफ से आएगी। इसके अलावा ये चीज़ें भी हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, ये चीज़ें भी आपके सामने हैं ऑटोमेटिक ये फिट कर लेगा गूगल। और फॉर्मेटिंग में आपने कराची और पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, ठीक है, टाइम फॉर्मेटिंग में। इसके अलावा जब इसको सेलेक्ट करेंगे और ये बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ये ब्लॉग जो है ना वो सेट कर लेगा। मेटा टैग डिस्क्रिप्शन में आप 150 वर्ड जो है ना ऐड कर सकते हैं। और मेटा टैग डिस्क्रिप्शन होती क्या है और आपको मैं ये बताता चलूं कि ये जो चीज़ है ये जो आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पे ये जो चीज़ें आपकी शो हो रही हैं ये मेटा टैग
डिस्क्रिप्शन में, यानी कि ऑल काइंड ऑफ जो थिंग्स होती हैं वो होती हैं। ठीक है, तो वो मेटा इसकी जो आपकी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन है इसी में से शॉर्ट वर्ड आपने 150 तक सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर लेने हैं, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आके इसको कर देना है सेलेक्ट और इसको कर देना है सेव। ये आपकी मेटा टैग डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। इसको सेव करने के बाद आपकी जो कस्टम 404 है ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो जाएंगी। ये भी और ये कस्टम रोबोटेक्स है, कस्टम रोबोटेक्स आपने इसको एनेबल करना है, और एनेबल करने के बाद आप क्या करेंगे कस्टमर वोटेक्स में इस तरह आएंगे, आप जाएंगे कस्टम गूगल पे लिखेंगे कस्टमर वोटेक्स जनरेटर। ये मैंने ऑटोमेटिकली इस साइड पे आया हूँ, और यहाँ पे जो है ना आपने यहाँ पे आके अपनी जो ब्लॉग स्पॉट जो आपने बनाया है इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा कस्टम ये इंटर करना है और इसको जनरेट कर देना है। जनरेट करने के बाद ये आपके सामने ये जनरेट हो जाएगा, इसको करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे अपने ब्लॉग पे, यहाँ पे आपने इसको जो है ना वो पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। डियर स्टूडेंट, ये वो टेक्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन भी मिल सकता है। आपने सिर्फ फर्क सिर्फ ये करना है यहाँ पे कि आपने अपनी जो वेबसाइट है ये जो ब्लॉग स्पॉट है यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ तक अपना नाम देना है, और बाकी सेम एज इट वही का वही रहेगा, और आपका कस्टमर रोबोटेक्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा गूगल सर्च कंसोल में हमने वो ऐड करनी होती है, ये सारी की सारी जो है इसके अलहदा वीडियो हम बना के जो है ना अपलोड करेंगे, और वो आपको हो जाएगा एज इट इज अभी इस वक्त यही रहेगा। इसके अलावा एनेबल कस्टम एड्स टैक्स, इसको भी ऑन कर देंगे। जब आपकी मोनिटाइज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें वो इंक्लूड कर देगा, और आपका जो है ना वो ब्लॉग इसमें फिट हो जाएगा। आपके जो जब मोनिटाइज हो जाएंगे तो वो तमाम की तमाम चीज़ें हो जाएंगी। ये इसको भी एनेबल कर देंगे, और इसको भी एनेबल कर टाइटल एंड इनक्लोजर लिंक्स वगैरह जो है ना वो सारे के सारी इसको भी एनेबल कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी सिंपल सी सादा सी सेटिंग, SEO ऑफ पेज सेटिंग भी इसको बोलते हैं, इसको ऐसी सेटिंग भी बोलते हैं, और ब्लॉग सेटिंग भी कहते हैं। तो हमने तकरीबन आपको ये तमाम की तमाम चीज़ें सिखाई, जो जो चीज़ें हमने ऐड की, आप अपने ब्लॉग को रिफ्रेश करने के बाद देखेंगे कि आप ये देखें ये सारी की सारी अभी चीज़ें उसमें ऐड आपके ब्लॉग पे हो चुकी हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी आज की वीडियो। हमने ब्लॉग सेटिंग, SEO ऑफ पेज सेटिंग, SEO सेटिंग क्या होती है उसको देखने हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को ख़त्म करें, तमाम स्टूडेंट और तमाम व्यूअर्स से गुजारिश है इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि तमाम की तमाम वीडियो आपके ईमेल आईडी पे पहुंच सके, और मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा करें, ताकि ये भी इसके भी मोनेटाइजेशन के लिए हम इसको अप्लाई कर सकें जो हमारा चैनल है। आप इसकी सब्सक्रिप्शन आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हौसला अफजाई होगी, तो मैं इस किस्म के जो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स हैं वो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।